नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश की है। उसने पहले जहां कुछ दवाइयां खा ली, वही बाद में तौलिए को गले में बांधकर मारने की कोशिश की विनय तिहाड़ के जेल नंबर 8 में बंद था। इसे गंभीर हालत में दीनदयाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को देश को झकझोर देने वाली गैंग रेप की इस वारदात का मुख्य आरोपी राम सिंह ने भी तिहाड़ में ही आत्महत्या कर ली थी। राम सिंह का शव 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल के सेल में फंदे से लटका मिला था। सिंह की खुदकुशी के बाद जेल प्रशासन पर कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। वही अब विनय की कोशिश ने एक बार फिर जेल प्रबंधन को निशाने पर ला दिया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक और बड़ा नीतिगत झटका दिया है। केंद्र कैबिनेट ने बुधवार को जहां एक और आतंकी हमलों और गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ा दी है, वही पहली बार सीमा पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी मुआवजा देने का फैसला किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही नक्सली हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा में मारे जाने वालों के परिवार को मिलने वाले मुआवजे में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। फैसले की जानकारी देते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ये मुआवजा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी है, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें ये नहीं दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो केंद्र घाटी में शांति बहाली के लिए राज्यपाल शासन लगाने का फैसला ले सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए जिम्मेदारी राज्य की पीडीपी बीजेपी सरकार को सौंपी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार केंद्र अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में है। सूत्रों के अनुसार केंद्र राजनाथ सिंह के दिल्ली आने के बाद ही केंद्र सरकार कड़ा फैसला करने की तैयारी में है। महीने के अंत तक जम्मू कश्मीर में चल रही अशांति को 50 दिन से ऊपर हो जाएंगे। कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है और राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से कई कदम उठाए हैं, जिन पर केंद्र सरकार लगातार इन कदमों पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के हालात पर 2 टूक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 50 दिन होने को हैं, कर्फ्यू अब 24 घंटे लागू है, घाटी में पेट्रोल पहुंच नहीं रहा और कश्मीर में परेशानियां आम जन की कमर तोड़ रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हालात काबू नहीं किए गए तो 1947 के बंटवारे जैसे हालात हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही, पीएम मोदी कश्मीर पर कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाते, शांति की अपील नहीं करते। यही हालात रहे तो 1947 के बंटवारे का नजारा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, 1947 में बंटवारे की राजनीति हुई थी, बहुत लोग मरे थे, बेघर हुए थे, बर्बादी का आलम दिल दुखाने वाला नहीं, भूकंप जैसा था। आज के दौर में जिस तरह से बांटने की राजनीति हो रही है, अगर उस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात सन 1947 की त्रासदी जैसे हो सकते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार भी शीला सरकार की तरह भ्रष्ट है। इस सरकार के मुखिया और उप मुखिया दोनों भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा देते रहे हैं। सतीश उपाध्याय ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के भलस्व स्थित एक भूखंड को एक निजी बिल्डर को सौंपने के मामले में दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अरबों रुपए के इस जमीन घोटाले में डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंह अधिकारी को मुख्यतः दोषी पाया गया है। वे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बेहद नजदीकी रहे हैं। DUSIB की जमीन के घोटाले में उप मुख्यमंत्री की पोल खोलने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नावलेंद्र कुमार सिंह शीला दीक्षित सरकार के समय भलस्व से जुड़े मॉडल टाउन के SDM थे और तब भी जमीन के मामले में भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। JNU में राष्ट्रगान के दौरान छात्रों की कम संख्या से उपजे विवाद पर JNU प्रशासन की तरफ से जवाब भेजा गया है। एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है कि छात्रों की उपस्थिति अच्छी खासी थी, साथ ही कुछ तस्वीरें भी भेजी गई है जिनके जरिए दिखाया गया है कि टीचर प्रोफेसरों से लेकर स्टूडेंट्स भी इस राष्ट्रगान में शामिल हुए थे।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की PRO पूनम कुदेशिया ने पूरी जानकारी दी और कहा कि वाइस चांसलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 23 अगस्त को हुए राष्ट्रगान कार्यक्रम में छात्रों की कम उपस्थिति को लेकर कई जगह खबरें छपी थी, जिसके बाद JNE प्रशासन ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है। कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कृष्ण जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में CRPF, LIUIB, ब्लैक गेट कमांडो, PSC और सिविल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही महिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी सुरक्षा में लगाया गया है। कृष्ण जन्मभूमि को 3 जोन में बांटा गया है। जन्मभूमि के अंदर का हिस्सा रेड जोन, 4 दीवारी के बाहर का इलाका येलो जोन और परिसर के बाहर ग्रीन जोन बनाया गया है। इसके साथ ही पूरे परिसर को 14 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। परिसर के पास बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने PM के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसमें उन्होंने गोरक्षा के नाम पर कुछ लोगों द्वारा गोरख धंधा चलाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि PM को ये नहीं भूलना चाहिए कि गोरक्षकों के दम पर ही वे PM बने हैं। उन्होंने कहा कि गोरक्षक अपना सिर कटाने को सदैव तैयार रहते हैं, मगर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले नेता सक्षिक सुख पाते ही आरोप प्रत्यारोप मरने लगते हैं। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर बुधवार को हदिहाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आई साध्वी प्राची ने आक्रामक लहजे में कहा कि देश अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के चरखा चलाने से नहीं आजाद हुआ था, बल्कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव जैसे वीरों की कुर्बानी से हुआ। कोर्ट के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 20 फीट से ऊंची दही हांडी लगाने का ऐलान किया है। थाने शहर में MNS ने 20 फीट से ऊंची मानव पिरामिड बनाने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। मुंबई में भी कुछ जगहों पर MNS इसी तरह 20 फीट से ऊंची दही हांडी बांधने वाली है। मुंबई पुलिस ने पहले ही MNS के दही हांडी उत्सव समितियों को नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव KP बख्शी ने कहा कि सभी दही हांडी उत्सव समितियों को सर्कुलर भेज दिया गया है, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि त्योहार उत्सव के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केबिन क्रू पद के लिए उनके आवेदन को जेट एयरवेज ने किसी जमाने में ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनका व्यक्तित्व कुछ खास नहीं है। टेलीविजन अभिनेत्री से नेता बनी स्मृति ईरानी ने मजाकी अंदाज में आवेदन खारिज करने के लिए जेट एयरवेज का धन्यवाद किया और कहा कि वहां नौकरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड में नौकरी कर ली और उसके बाद जो हुआ वह सारी बातें इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने एक समारोह में कहा, मुझे नहीं पता कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि सबसे पहले मैंने कौन सी नौकरी चाही थी। मैंने जेट एयरवेज में केबिन क्रू के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुझे खारिज कर दिया गया। मुझे बताया गया कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। आवेदन खारिज करने के लिए आपका धन्यवाद। भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान भरने के दौरान जल्द ही यात्रियों को वाईफाई की सुविधा मिल सकती है। सरकार ने बुधवार को संकेत दिए कि आने वाले कुछ दिनों में इस संबंध में फैसला होने की संभावना है। नगर विमानन सचिव RN चौबे ने विमानों में उड़ान के दौरान वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी एक सवाल के जवाब में बताया, मैं आपको 10 दिनों में अच्छी खबर दे सकता हूँ। इस समय यात्रियों को भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान भरने के दौरान मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। चौबे ने बताया, इस बात की काफी संभावना है कि अगले 10 दिनों में भारतीय वायु क्षेत्र में वाईफाई चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए हैं। यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स और टीचर फंसे रहे। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों हमलावर मारे जा चुके हैं। फायरिंग अब बंद हो गई है। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
घायलों में 3 महिलाएं भी हैं। बताया जा रहा था कि करीब 15 आतंकवादी बुधवार शाम को दारुल अमन रोड स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के पास जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद घटनास्थल के पास फायरिंग की आवाज भी सुनी गई। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़ रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।